हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं नैनीताल, तो आप भी हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। नैनीताल का टूर कराएंगे आपको, और आपको ये भी बताएंगे कि आप अगर किसी दूसरे हिल स्टेशन पे या किसी शहर में जाएं तो आपको क्या क्या जानकारी हो पहली बार अगर जा रहे हैं, ताकि आपके साथ कोई धोखाधड़ी या ठगा ना जा सके, आपको कोई ना ठग सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ से फिर हल्द्वानी के पहाड़ दिखने लग गए और अच्छा लग रहा था, मौसम भी ठंडा हो रहा था। पता है फ्रेंड्स हमारे साथ क्या हुआ कि ना, हमने इसको बेटी को ना कॉलेज में एग्ज़ाम देने भेज दिया वहाँ रूम में, तो उसके बाद फिर वो रुकने तो दे रहे नहीं थे जो वहाँ सारे ऑफिसर थे सर वगैरह। तो हम बाहर आए तो क्या नाम है, हमने कहा कुछ खाएंगे पियेंगे, सुबह से कुछ खाया वाया नहीं था, बस ऐसे ही चाय पी के निकल गए थे। तो नाश्ता करके थोड़ा सा, सुबह सुबह खाया भी नहीं जाता है ना कुछ भी, तो निकले हम 5-6 बजे की तरफ। तो उसके बाद जो है हमारे ड्राइवर जो कैब वाले भैया हैं, उन्होंने हमें बुला लिया गाड़ी में कि चलो, मतलब हम आपको ड्रॉप कर देंगे कहीं आपने जाना है। तो हम उनकी गाड़ी में बैठ गए। तो फिर पता है क्या हुआ कि उनको वैसे तो पेट्रोल उन्होंने गाड़ी में मतलब भरवा लिया था, अब उनको ये हो रहा था CNG गैस भी हम इसमें भरवा ले। तो वो उन्होंने जो है वापस की तरफ को गाड़ी खूब ज़्यादा दौड़ाई। अरे भैया, हम तो थक गए, खाया पिया कुछ था नहीं। अब वो भैया को हो रहा था कि जल्दी से हम जो है CNG गैस भरवा लें। सुबह के उठे हुए थे और क्या नाम, 5-6 बजे के। तो उसके बाद फिर जो है इनको CNG गैस की ज़रूरत पड़ रही थी हमारे ड्राइवर भाई को, कैब के जो है ये, तो जिनके बारे में अभी मैं पीछे व्लॉग में बात कर रही थी। तो उसके बाद फिर नैनीताल जाने का प्रोग्राम बन गया। जब पेपर छूटा इनका तो बेटी को भी 15 मिनट लेट हो गए इस चक्कर में। अच्छा, वापस जो आने लगे तो फिर बेटी ने और हमने प्रोग्राम बनाया कि चलो नैनीताल चल। तो खाली ऐसी भूखे प्यासे नैनीताल को चल दिए। वहाँ बीच में इन्होंने रोकी नहीं कि वहीं पे ही खाएंगे कुछ है, तो वहीं रेस्टोरेंट में 1-1.5 घंटे का रास्ता था मुश्किल से। तो अब देखिए यहाँ से कितने अच्छे पहाड़ लग रहे हैं, है ना। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि इधर प्लेन पे गर्मी थी तो उधर पहाड़ पे अच्छा मौसम था, ठंडा लग नहीं रहा था कि जैसे गर्मियाँ चल रही हैं। अच्छा, हल्द्वानी से वैसे मौसम ठंडा ही हो जाता है, पूरे ऑल सीजन ही ठंडा ठंडा ही रहता है वैसे। अच्छा, और कुछ लोग वहाँ हल्द्वानी में बाहर से आए हुए थे, स्वेटर भी पहने हुए थे। इधर गर्मी हो रही थी, उधर लोगों ने स्वेटर पहने हुए थे, जो एग्ज़ाम देने बच्चे आए थे ना। तो फिर नैनीताल गए, तो भैया बताएं हम आपको नैनीताल में तो हमारे साथ क्या हुआ और आपके साथ ना हो ऐसा। एक मिल गए हमें गाइड मिल गए, तो उन्होंने क्या नाम है बताया कि 4,000 में हम पूरा शहर घुमा देंगे, जबकि फ्री में घुमा देते अगर हम अभी। तो ना वो और ज़्यादा बोलते, और कहीं उन्होंने भी कुछ खाने पीने नहीं दिया कि भाई खर्चा हो जाएगा इनका, तो ये हमें नहीं देंगे पैसे। तो भैया आप देखो आगे, हमारा तो बिल्कुल मज़ा ही ख़राब हो गया नैनीताल घूमने का। हमने सोचा अब दोबारा किसी को भी बताएंगे तो उसे यही बताएंगे कि अच्छे से, मतलब आप जानकारी हासिल करके जाएं, किसी हिल स्टेशन पे जाएं या फिर किसी दूसरे शहर में पहली बार जा रहे हैं, अच्छे से जाने, बिना जानकारी के जाएंगे तो ऐसा हो ही जाता है। हमारे साथ तो हो गया, वो जो गाइड मिल गए ऐसे, मतलब अपने पैसे बना लिए और हमें ऐसे करके बोल दिया। अब हम उनके साथ घूमने लग गए, अब घूमने लग गए तो वो कहीं खाने पीने भी नहीं देंगे, इनके पैसे खर्च हो जाएंगे तो ये हमें नहीं देंगे, ये हुआ हमारे साथ।
तो फ्रेंड्स देखिए कितने अच्छे पहाड़ लग रहे हैं। हल्द्वानी से थोड़ी दूर आगे जाने पे नैनीताल के पहाड़ दिखने लग जाते हैं। तो ये पहाड़ देख के मेरे मन में एक अच्छा सा गाना ध्यान आ रहा है, आप लोगों को भी शायद पसंद होगा, सुनते होंगे कभी आप लोग भी। तो झरने तो झरने हैं कसम ले पहाड़ों की, जो कायम रहते हैं। कसम ले पहाड़ों की जो कायम रहते हैं। कैसा लगा आपको मेरा ये गाना? और आप अच्छे अच्छे कमेंट करके बताइएगा मेरे को। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। तो हम तो ये जब पहाड़ों में एंट्री करी हमने, तो हमें तो भूख की प्यास लग रही नहीं थी, लेकिन हाँ कि ये वीकनेस ना हो जाए ना, तो इस वजह से कुछ खाना तो रहता ही है, जैसे नाश्ता या दोपहर का खाना या शाम को कुछ। तो ये रोडवेज़ की बस भी चल रही है, तो यहाँ से रोडवेज़ की बस से भी आना जाना रहता है लोगों का। तो देखिए कसम ले पहाड़ों की तो कायम रहते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये मैं उनका ड्रेस वगैरह नहीं बताऊंगी कौन है वो गाइड, लेकिन हाँ इनमें से ही हैं एक वो। तो जो है आप इमेज कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी को वहाँ रोक लिया कैब को, और अपनी गाड़ी से फिर उन्होंने जो ये है नैनीताल के कुछ पॉइंट हैं तो वो हमें घुमाए उन्होंने, और हमने सारे घूमे भी नहीं। तो अब देखिए हम कहाँ कहाँ घूमने गए, चलिए हमारे साथ व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा प्लीज़। तो फ्रेंड्स फिर हम यहाँ पे एक नैनीताल में घूमने का पॉइंट है जो है उसे बोलते हैं हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ घूमने के बाद हमें जो अगले पॉइंट पे गए, पर हनुमानगढ़ में ऐसा हो रहा था कि ना बादलों में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी हिल स्टेशन पे पहाड़ों में, हमें तो और लोगों को भी हो रही थी। तो वहाँ पे ना उन्होंने पता नहीं मंदिर के फर्श में पता नहीं कैसे धुलाई करी हुई थी, फर्श में मछलियों की निरी स्मेल आ रही थी या पहाड़ों के आ रही होगी गीले पहाड़ों की स्मेल सी जो थोड़ा वहाँ पे ना मंदिर में। तो फिर हम जल्दी से वहाँ से प्रसाद चढ़ाया और फटाफट नीचे आए, वहाँ थोड़ा बैठे भी नहीं, मतलब जैसे कि बैठ के थोड़ा सा रेस्ट वगैरह कर लेते हैं। हम हनुमानगढ़ घूमने के बाद जो गए हम नैनी झील, और ये बस स्टॉप आ जाता है यहाँ पे कहीं से भी आके, नैनीताल में बस रुकती है रोडवेज़ की। और ये जो सब लोग इधर नैनी झील की तरफ जा रहे हैं ना, ये लगभग सभी लोग जो हैं घूमने आए हुए हैं, तो पैदल चलने वालों की भी काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे।
और जो है थोड़ा सा गाड़ी भी मतलब चल जाती है, अंदर तक नहीं जाती है। तिब्बत मार्केट वगैरह में तो पैदल ही चलना पड़ता है, और सामान भी वहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, पहाड़ में कॉस्टली होता ही है, और कुछ भी वूलन का या कुछ भी सामान होता है, तो हमने थोड़ा ही सामान लिया फिर वहाँ से। ये देखिए, और वहाँ पे हनुमानगढ़ में तो फ़ोटो शूट करना भी मना था, फिर हमने थोड़ी सी बाहर बाहर से शूट करी, पूरी अंदर तक एंट्री नहीं थी फ़ोन मतलब फ़ोटो वोटो खींचने की, फ़ोन ले जाने की, ले जाने वालों की। ये साथ में यहाँ का प्लेग्राउंड है, यहाँ भी काफ़ी लोग बैट बॉल वगैरह बैडमिंटन वगैरह खेल रहे, कुछ रेस्ट भी कर रहे थे वहाँ पे, बाहर से आए हुए लोग भी थे और जो वहाँ के रहने वाले हैं वो लोग भी थे वहाँ प्लेग्राउंड में। जो प्लेन से जाते हैं ना फ्रेंड्स मैदानी इलाकों से पहाड़ में, तो उनको आदत तो होती नहीं है पहाड़ों में चलने की बिल्कुल भी, तो वहाँ उनकी सांस वगैरह फूलती है, हमारी भी बहुत ज़्यादा फूल रही थी, तो लेकिन फिर भी हम चल रहे थे लगभग लोग, मेरी तो बहुत ही ज़्यादा फूल रही थी, मैं क्योंकि कुछ खाया पिया तो था नहीं, ऐसे ही भूखे ट्रैवल करे जा रहे थे। तो अब देखिए, हमने कहा अब आए हैं तो थोड़ा सा बच्चे भी घूम लें, हम भी घूम के और फटाफट चलें, फिर ऐसे घूम रहे थे हम तो जैसे कि बस एक बार आए हैं फिर देखने और अगली बार फिर से सही से आएंगे, जैसे कि मतलब जैसे एग्ज़ाम दे के आए ना ये बच्चे, उसी तरीके से नहीं, सीधे से घर से घूमने के पर्पज़ से आएंगे अपनी सवारी वगैरह से। तो बाल बाल भी नहीं बना रखे थे, ऐसे ही ज़्यादा घूम रहे थे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये नैनी झील आ गई, फेमस नैनी झील। तो यहाँ पे लोग फ़ोटोशूट भी कर रहे थे, देखिए कितना अच्छा नज़ारा आ रहा है, और कुछ लोग वोटिंग भी कर रहे थे। तो ना हम बच्चे कह रहे थे कि ना हम वोटिंग नहीं करेंगे मम्मा, तो हमने कहा एक बार आए हो तो, फर्स्ट टाइम आए थे हमारे बच्चे, तो मैं तो काफ़ी साल बाद आई थी, दूसरी बार आई हूँ यहाँ पे नैनीताल, तो मैं सच बताऊँ आपको तो एक बार वोटिंग करी हुई है वैसे हमने भी यहाँ नैनी झील में। तो यहाँ पे ना नैनी झील में बोट का किराया है 400-500 रुपये पर बोट, और एक सवा घंटे आप घूम सकते हैं, तो एक बोट में 3-4 जने तो आ ही जाते हैं, 4 सीटें होती हैं। तो फिर हमने तो 1.5 घंटा आधा घंटा ही बस घूमे और जल्दी से फिर हम आ गए, तो अच्छा लग रहा था, बहुत ठंडा ठंडा नज़ारा था, झील थी। तो ये सामने इधर की साइड भी मस्जिद भी है यहाँ पे नैनी झील के पास, तो फिर हम यहाँ घूम रहे थे। देखिए एंजॉय करिए आप भी नैनी झील का, नैनीताल की। फिर यहाँ पे हमने चाय पी और फिर उसके बाद फिर हम नैनीताल की झील में फिर गए बोट में घूमने के लिए, तो थोड़ा सा रेस्ट किया यहाँ पे, थोड़ा सा स्मेल वगैरह आ रही थी सब जगह पहाड़ों वहाड़ों की। ये इनका ये स्टॉल है, अच्छा लग रहा है, देखिए नैनी झील के पास में ही है ये भी, इनका चाय का स्टॉल, पेस्ट्री वगैरह मिलती है इस पर, साथ में छोटा सा स्टेडियम भी है। ये देखिए कितनी सारी बोट्स हैं, तो हमें तो पकड़ पकड़ के चलना पड़ रहा था, चक्कर टाइप का आ रहा था। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे थोड़ा सा क्या नाम बोलते हैं उसको शूट उट किया बोटिंग में बैठ के, फ़ोटो और फ़ोटो भी शूट करी, फ़ोटो भी खींची और शूटिंग भी करी, तो अच्छा लग रहा था। थकान तो हो रही थी लेकिन फिर जो एक एडवेंचर टाइप की कोई बात हो जाती है ना तो फिर अच्छा लगता है, थोड़ा सा इंसान का माइंड चेंज हो जाता है। तो हम थोड़ा पानी उनी से भी खेल रहे थे, अच्छा लग रहा था। ये पेंडल वाली हमें बोट मिली थी, चाहो तो पतवार वाली भी ले सकते हो, और पतवार वाली में क्या होता है कि उसमें नाभिक चलाता है और इसमें खुद ही पेंडल मारने होते हैं दो लोगों को। तो ऐसे ये देखिए, वाह कितना अच्छा नज़ारा है।
तो फ्रेंड्स यहाँ ना बोट में पता है क्या होता है कि जो ये नाव चलाने वाले होते हैं तो एक दूसरी फैमिली से जो नाव में बैठी होती है फैमिली या लोग जो भी होते हैं तो भाई बहन वगैरह जैसे, तो उनसे बोलते हैं कि ना आप दूसरी नाव को टक्कर मारो, तो फिर वो डर जाएंगे और फिर हल्ला करना बचाओ बचाओ, फिर ना सब लोग सारे बोट वाले एक दूसरे की बोट को बचाने के लिए आ जाते हैं। तो हमने ऐसा किया नहीं, फिर भी हम एक वो जो बोट वाले थे ना उन्होंने दूसरी बोट में टक्कर मार दी, उसमें एक हस्बैंड वाइफ थे और एक बच्चा था, तो वो डर गए, उन्होंने फिर अपने हाथ से ही दूसरी वो हमारी बोट को साइड पे कर दिया। ऐसे कर लेते हैं, कोई साइड पे कर देता है, कोई अपना दूसरी साइड में निकल जाता है अपनी बोट को लेके। तो ऐसे करके ऐसे नहीं करना चाहिए, हमने करा भी नहीं ऐसे कि कोई डर जाए कि बचाओ बचाओ करके ना जैसे, तो ऐसे ये लोग ऐसे करते हैं गाइड्स लोग वगैरह जो होते हैं वहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये झील में बोटिंग करने के बाद एकदम फ्रेश मूड हो गया, पहले तो वीकनेस थकान वगैरह लग रही थी, तो इसके बाद बिल्कुल थकान वकान सी नहीं लग रही थी, अच्छा लग रहा था, एंजॉय कर रहे थे बोटिंग करने में हम लोग। तो आइए आप भी बोटिंग कर लीजिए इसमें नैनीताल की झील में, नैनी झील में। तो लेकिन हाँ तैयारी के साथ आना, ऐसे बिना तैयारी के बिना इंक्वायरी के नहीं आना, नहीं जाना किसी दूसरे सिटी में या हिल स्टेशन में, मैं तो यही कहूँगी। और देखिए कितना अच्छा पानी हो रहा है, हरा हरा सा, और ये बादलों का नज़ारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और धूप भी हो रही थी यहाँ पे तो, लेकिन ठंडक थी फिर भी, और बादलों में धुंध सी हो रही थी। अभी हम तिब्बत मार्केट आएगी उसमें जाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो वापसी में ये नैनी झील के पास ही पड़ती है, तो यहाँ भी बहुत कॉस्टली सामान होता है, और गुरुद्वारा भी है इसके एक साइड में और एक साइड में मस्जिद है। तो देखिए कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है। इसमें झील में फिश भी होती हैं पता है, और कोई कोई हाथ में भी आ जाती है ऐसे, फिर भाग जाती है झील में। ये झील में भी ये जो है फिश वगैरह होती ही है, वैसे यहाँ पे भी थी। हेलो गाइस, रुक जाओ मत, जब भैया कहेंगे तो बोलेंगे, ऐसे बाद में वॉइस ओवर कर देंगे। रेडी बोलो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, आई होप जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स हम वीडियो शूट कर रहे हैं नैनीताल में, बोटिंग कर रहे हैं, भैया भी है हमारे साथ एक, और ये दीदी बेटी भी है हमारी और बेटा भी है। आइए आप भी बोटिंग कर लीजिए। तो फ्रेंड्स फिर हमने थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया, वीडियो वीडियो बनाई और थोड़ा सा व्लॉग बनाया, और फिर हम यहाँ से चलने लगे। और उसके बाद फिर यहाँ मार्केट आती है तो थोड़ा सा हमने वहाँ पे शॉपिंग करी। तो ये फ्रेंड्स मैंने ये देखा इयररिंग कैसे दिए हैं इन्होंने, कितने रुपए का पेयर है, तो फिर ये कुछ इयररिंग हमने ख़रीद लिए और फिर उसके बाद हम जाने लगे। तो ये मार्केट में सभी तरीके के लोग आए हुए थे, हमारे मुस्लिम भाई बहन भी आए हुए थे। ये देखिए ये पहले भी हम भी ले जाते थे लकड़ी का सामान नैनीताल वगैरह में, पहाड़ों पे बहुत अच्छा मिलता है शोपीस, तो ये खजूर के पेड़ से बनाते हैं शायद। तो यहाँ देखिए ये
बाहर से भी आए होते हैं लोग अपना सामान बेचने, और ये हो जाता है कि भाई यहाँ से हम नैनीताल से कुछ लेकर गए हैं या कहीं हिल स्टेशन से अपने मैदानी इलाकों में कुछ ख़रीद के लेके गए हैं, तो बस निशानी हो जाती है। ये है कि किसी को दिखाते हैं तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को तो अच्छा लगता है बस कि हम ये हिल स्टेशन से लाए हैं। तो गुरुद्वारे में जाने का तो हमें टाइम नहीं मिला, वैसे तो हम गुरुद्वारे बाहर से ही हमने हाथ जोड़ लिए थे, और हम तो सभी धर्मों को मानते हैं, सभी धर्म एक ही होते हैं, सबका आदर करना चाहिए इंसान को, तो इंसान तो सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही होते हैं। ये तो लोगों ने अपना ऐसे ही विचार धारणा बना रखी है कि भाई वो हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है। Thank you.
तो फ्रेंड्स हम नैनीताल के पहाड़ों और बादलों की धुंध में से होते हुए अपने शहर आ रहे थे, और ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। उसके बाद फिर हमने शाम को चाय नाश्ता किया और घर वापसी के लिए रवाना हो गए। और अगर आपको ये व्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, नैनीताल व्लॉग, तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा अच्छे अच्छे, और हमें बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।